श्री राम बालाजी धाम बाबा दीपकौली आश्रम महेंद्र कुमार शर्मा अध्यक्ष के माध्यम से जो सभी लोगों से कहना चाहूँगा, जो 5 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा था हमारा, सभी लोगों ने तन मन धन से सब सहयोग करा, पूरे महानगर की जनता ने और पूरे जिले की, प्रदेश की, बड़े दूर से लोग आए और आप मीडिया का खास करके विशेष करके मैं कहूँगा कि आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, बड़े दिल से आभार करता हूँ बाबा, सभी आपकी मनोकामना पूरी करें। आज पूर्ण आहुति हो चुकी है, बाबा अपने स्थान पर जो 5 दिवसीय प्रोग्राम चला था आज वो अपने स्थान पर विराजमान हो गए हैं। बोले बाबे शिव परिवार, गणेश जी महाराज, राम दरबार, माँ दुर्गा और बाबा निकलने वाले सभी अपने स्थान पर विराजमान हो गए। कौन कौन अतिथि आए थे आज जी? अतिथि कौन कौन आए थे? अतिथि कैची धाम से, हनुमानगढ़ी से आए थे सिंह साहब, जो पिछले वर्ष भी आए थे यहाँ पर, उनका बड़ा सहयोग रहा। अतिथि आज माननीय नितेश गुप्ता जी आए थे, माननीय DM साहब आए थे, माननीय SSP साहब आए थे और माननीय गिरीश वर्मा जी आए थे। बाकी सभी लोग बाबा का, सभी लोग यहाँ बिरकुमार लोहिया जी का पूरा सहयोग रहा है, ये पूरा तन मन धन से 5 होते हैं पूजा में बैठे हैं, उनका भी बहुत सहयोग और सभी आए हैं, सभी लोग जिस जैसे पता लगे बाबा का भक्त है, बाबा का आशीर्वाद जिसे मिला सभी लोग आए हैं बाबा के, तो सभी कहते हैं लखनऊ से भी आए हैं, DC जी आए हैं और अच्छा रहा कार्यक्रम, बहुत शुभ। दिल्ली से प्रमोद ठाकुर जी आए हमारे, तो सभी बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, आपका सबको सहयोग रहा, बाबा की ऐसी कृपा हम तो चाहते हैं, बाबा की हर ऐसी कृपा सब लोगों का, हम सब का बनी रहे, सबका परिवार बढ़ता रहे, बाबा सब रहे, जय बाबा। 5 दिन से चलने वाला प्रोग्राम आज संपन्न हुआ है और अच्छा भाई सबको नमस्कार। श्री राम बालाजी धाम बाबा दीपकौली आश्रम के जितने भी सदस्य और ट्रस्टी लोग थे उन सबकी आज मनोकामना पूर्ण हुई है। महाराज जी आज विधिवत रूप से बैठ चुके हैं और यही उम्मीद करते हैं महाराज जी समस्त क्षेत्रवासियों का कल्याण करें। शैलेंद्र प्रकाश गुप्ता, बाबा नीम करौली आश्रम सब्जीपुर, जिला मुरादाबाद। मैं इस आश्रम का एक ट्रस्टी, बाबा का सेवक, बाबा का परम भक्त हूँ और ये 5 कुंडलीय महायज्ञ 5 दिन से लगातार चल रहा है। काशी के ब्राह्मणों द्वारा इस आयोजन को कराया गया है और आज समापन का समय आ गया है। बाबा का भंडारा चल रहा है, क्षेत्रवासियों ने, शहरवासियों ने, महानगरवासियों ने बड़ा आनंद लिया, इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाया और बाबा का आशीर्वाद भंडारा प्राप्त करके लिया। कैसा और कौन कौन रहे और क्या कहना चाहेंगे महानगर के लोगों से? महानगर के सभी महान विभूतियाँ यहाँ पर उपस्थित हुई, जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया वो लोग भी आए और जिनको निमंत्रण नहीं दिया बाबा का प्रसाद और आशीर्वाद प्राप्त करने वो लोग भी यहाँ पर मौजूद रहे, बाबा का प्रसाद प्राप्त किया और आनंद लिया। 5 दिन पूरी भजन संध्या का पूरा आनंद उठाया। बाबा ने एक यहाँ पर हमें जगह दी, विपिन गुप्ता जी ने हमें एक जगह दी, हमने उसमें आश्रम बनाया, इसका निर्माण चल रहा है, बाबा का मंदिर बन रहा है, बाबा की मूर्तियाँ स्थापित करी गई हैं, सभी देवी देवता यहाँ आज विराजमान हो चुके हैं। भव्य मंदिर बनने जा रहा है, भव्य मंदिर बनने जा रहा है और आगे भी एक हम 101 फीटी हनुमान जी की मूर्ति बनाने का प्रस्ताव रखा हुआ है और बाबा की कृपा रही तो अति शीघ्र इस कार्य को भी शुरू कर दिया जाएगा। 5 दिवसीय 5 कुंडली आज स्थापना दिवस था। इस 5 दिनों में इस क्षेत्रवासियों ने या शहर के लोगों ने, अपने ट्रस्टियों ने अथक सेवा किया और ये अथक परिश्रम से ये 7 वर्षों से हम भंडारा करते आ रहे थे बाबा नीमकरौली जी का, वो 7 वर्षों में आज जो एक मनोकामना थी सारे ट्रस्टियों की कि हम एक मंदिर बनाएंगे और बाबा की मूर्ति स्थापित करेंगे, वो मनोकामना आज जो है पूर्ण हो गया। इसमें इस सब्जीपुर गाँव या जो भी क्षेत्र है क्षेत्रवासियों का भी बहुत सराहनीय सहयोग रहा और शहर के लोगों का भी बहुत सराहनीय सहयोग रहा। ट्रस्ट के लोगों ने तो तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाया और हम लोगों की मनोकामना पूर्ण की।
पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।